आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रो सेंसर के बारे में प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि माइक्रो सेंसर कैसे वर्क करता है और ये इतना छोटा सेंसर है, हम इसको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां पे हम एक नॉर्मल फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर नहीं यूज कर सकते। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस सेंसर को वायर करोगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। इस सेंसर में अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स भी होते हैं, मैं वो भी समझाऊंगा और आपको इस तरह समझाऊंगा जिससे आप लोग इस सेंसर को यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। और आज जो मैं सेंसर यूज करूंगा वो ओमरॉन कंपनी के ESX सीरीज के सेंसर है। और ओमरॉन एक वर्ल्ड रेनाउंड कंपनी है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन, जहां पे हमें ओमरॉन कंपनी के अलग अलग सेंसर्स, PLCs और ड्राइव देखने को मिलती है। पर इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ओमरॉन के ESX सीरीज सेंसर में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग भी करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले ये समझो कि एक स्लॉट शेप फोटो माइक्रो सेंसर है। स्लॉट शेप में क्या होता है, हमारा एक साइड पे लगा होता है ट्रांसमीटर और एक साइड पे लगा होता है हमारा रिसीवर। अब जैसी कोई भी टारगेट इसके बीच में से पास होता है, सेंसर हमें आउटपुट सिग्नल दे देता है। ये जो सेंसर होते हैं ये डिजिटल सेंसर होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो आप इनपुट वोल्टेज दोगे वही सेम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलती है जब सेंसर टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे डिजिटल सेंसर होते हैं। सिर्फ आप हाई लो की कंडीशन ही ले सकते हो इन डिजिटल सेंसर से। आज मेरे पास ओमरॉन के अलग अलग सेंसर के मॉडल है। पहला है ESX674, दूसरा है हमारे पास EESX670 और तीसरा है हमारे पास EESX672 और चौथा है हमारे पास EESX673 और जो आखिरी हमारा स्लॉट शेप सेंसर है उसका मॉडल है EESX671। आप देख सकते हैं ये सब EESX सीरीज के सेंसर हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग मॉडल क्यों हैं जब सेंसर हमारा काम एक ही तरह से करता है। हमारे PNP और NPN हमारी हो सकता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें सेंसर चाहिए होते हैं, या फिर हमारी अलग अलग माउंटिंग होती है कि हमारे सेंसर इस तरह से माउंट होंगे। तो जो हमारे अलग अलग मॉडल है उसमें आप देख सकते हो सब में माउंटिंग का डिफरेंस है और हमारी आउटपुट का डिफरेंस है। तो इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए आपको अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो ये वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बट मॉडल की वेरिएशन होगी डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर मॉडल की बात कर लेता हूँ ओमरॉन के EESX673 के बारे में। ये हमारा एक NPN टाइप सेंसर है और इसके बीच में जो स्लॉट गैप होता है वो होता है हमारा 5 mm का और इसकी जो सप्लाई वोल्टेज होती है इनपुट सप्लाई वो होती है हमारी 5 से लेकर 24 volt DC। ये हमारा एक कनेक्टर टाइप सेंसर है और आप इसमें लाइट ऑन मोड भी सेट कर सकते हो और डार्क ऑन मोड भी सेट कर सकते हो। वो मैं आपको वायरिंग के साथ समझाऊंगा कि कैसे सेट करना है। जैसे मैंने बताया है कि ये सेंसर कनेक्टर टाइप है तो आपको एक प्लगइन केबल अलग से लेनी पड़ेगी और ये हमारी एक प्लगइन केबल है, आपको इसके आगे वायर के एंड मिलेंगे। और यूजुअली क्या होता है, हमें सेंसर को वहाँ पे माउंट करना होता है तो हमारे कनेक्टर्स ऑलरेडी वहाँ पे लगे होते हैं, तो अब सेंसर को बस प्लग एंड प्ले करना है आपको। पर स्टार्टिंग के इंस्टॉलेशन में आपको इस तरह का कनेक्टर केबल चाहिए जब आप सेंसर को इंस्टॉल करोगे। इस सेंसर में हमारे 4 टर्मिनल्स है, 2 है हमारे सप्लाई के क्योंकि सेंसर हमारे DC वोल्टेज पे काम करता है, तो यहाँ पे आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को आप कनेक्ट करोगे और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है सेंसर की वो आप 5 से लेकर 24 volt DC के बीच में दे सकते हो। और तीसरे पॉइंट पे आपको मिलेगी सेंसर की आउटपुट जो हमारा PNP टाइप आउटपुट हो सकता है और NPN टाइप आउटपुट हो सकता है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट होता है वो हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि सेंसर हमारा लाइट ऑन मोड पे काम करेगा या फिर डार्क ऑन मोड पे काम करेगा। लाइट ऑन और डार्क ऑन का मतलब सिर्फ यही है कि सेंसर हमारा N ऑपरेशन पे वर्क करेगा या फिर NC ऑपरेशन पे वर्क करेगा। वायरिंग समझ लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे स्लॉट शेप सेंसर है और मैं यहाँ पे एक 24 volt DC की रिले यूज़ करूँगा और इसके थ्रू मैं ड्राइव करूँगा एक AC लोड। यहाँ पे मैं एक SMPS भी यूज़ कर रहा हूँ 24 volt DC की। सबसे पहले मैंने ब्राउन ब्लू को कनेक्ट किया है जो है मेरी सेंसर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर।
इसके साथ जो रिले का 14 नंबर है, जो रिले का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो सेंसर की जो आउटपुट वायर है ब्लैक वायर, उसको कनेक्ट कर देंगे हम रिले के साथ, रिले के 13 नंबर के साथ, जो रिले का नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एसी लोड को कनेक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो लोड का एक एंड है उसको हम एनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, जो रिले का 5 नंबर है, ये रिले के एनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी हमारी ब्लैक वायर। और जो हमारी लोड की जो दूसरी वायर है, जो रेड कलर की वायर है, उसको हम डायरेक्टली लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। बट अभी भी हमारा एक कनेक्शन रहता है, वो होता है हमारा रिले और एक हमारी एसी पावर सप्लाई के साथ, जो है हमारा 9 नंबर, उसको हम डायरेक्टली अब न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैसे कनेक्शन किए हुए हैं, मैंने न्यूट्रल वायर और कॉमन टर्मिनल के। अब जैसे कोई भी टारगेट आता है सेंसर के स्लॉट के बीच में, तो ऑब्स्ट्रक्ट होती है हमारी लाइट और सेंसर्स को डिटेक्ट कर लेता है। आप देख सकते हैं हमारा एसी लोड, जो हमारा बल्ब लगा हुआ है, वो हमारा ऑन होता है जैसे कोई भी टारगेट इसके बीच में आता है। जो कनेक्शन हमने पहले किए थे उसमें हमने वाइट वायर को कहीं पे कनेक्ट नहीं किया था, उससे हमारा लाइट ऑन मोड का ऑपरेशन हो रहा था, जो हमारा एनओ ऑपरेशन था। अब हम वाइट तार को अब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इससे हमारा जो ऑपरेशन होएगा वो डार्क ऑन मोड का होएगा, जिसमें क्या होगा, लोड हमारा पहले ही ऑपरेट कर रहा होएगा कि जैसे अब कोई टारगेट अब सेंसर के बीच में आएगा तब लोड हमारा ऑफ होएगा। ये एक्चुअल में हमारा एनसी ऑपरेशन है सेंसर में। आप ये जो सेंसर देख रहे हैं, ये हमारे कनेक्टर टाइप के सेंसर है, जिसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में हमारे कनेक्टर्स ऑलरेडी लगे होते हैं, या फिर इसके साथ हमें एक अलग से कनेक्टिंग केबल मिलती है, आपको उसके साथ कनेक्ट करना होता है और फिर आपको सेंसर को यूज करना होता है। बट मैं आपको प्री वायर्ड मॉडल भी दिखा रहा हूं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि सेंसर के साथ ऑलरेडी एक केबल लगी हुई है, ये एक हमारे प्री वायर्ड मॉडल है, और आपको बस आगे वायर के कनेक्शन करने हैं। इस सेंसर की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि इतने छोटे सेंसर में आप इनपुट में 5 से 24 वोल्ट डीसी दे सकते हो, और आउटपुट में आपको उसी के हिसाब से वोल्टेज मिलेगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप 12 वोल्ट डीसी सिग्नल दोगे तो आउटपुट में भी आपको 12 वोल्ट डीसी मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, सेंसर का मतलब सिर्फ एक स्विच होता है जब मैं डिजिटल सेंसर की बात करता हूं। इस सेंसर के बहुत सारी एप्लीकेशन है, और मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, जब कोविड का टाइम आया था तो सबसे ज्यादा ये सेंसर यूज हुआ था इन दी फेस मास्क पैकेजिंग मशीन पे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मशीन में ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जहां पे हमें सेंसर को यूज करना है, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, या फिर हमें जैसे कोई इस पोजीशन पर जैसे हमारा टारगेट आता है तो हमारा कटिंग मैकेनिज्म, या फिर कोई और ऑपरेशन जो हमें मास को बनाने के लिए चाहिए, हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में और भी एप्लीकेशन हो सकती है, जहाँ पे हमें काउंटिंग करनी है या पोजिशनिंग करनी है, या फिर हमें कहीं पे अलाइन करना है अपने टारगेट को, वहाँ पे आप सेंसर को यूज करोगे एज अ फीडबैक, और अपने PLC या फिर कंट्रोलर में दोगे, जिससे आप लोग कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा सकूं और वायरिंग भी दिखाई कि कैसे आपको इस सेंसर को वायर करना है। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, जिससे आप सब लोगों की मैं हेल्प कर सकूं ऑटोमेशन फील्ड में। अगर आप मेरे से कोई और हेल्प भी चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करूंगा हेल्प कर पाऊं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।